खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आज डोभालवाला और बकरालवाला में सड़कों और छोटी बिंदाल नाले का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने बदहाल स्थिति के लिए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कें बदहाल है। इसके अलावा नदी नालों की सफाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से डेंगू समेत अन्य बीमारियों के फैलने का डर है, लेकिन सरकार इसके सुधार में कोई ध्यान नहीं दे रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अपने अभियान में जो मैं गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा अभियान, पूरे देहरादून में स्मार्ट सिटी का नज़ारा आपको रोज दिखा रहा हूँ। आज हमारे देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष रहे, देहरादून के नगर निगम के मेयर सम्मानित सुनील उनियाल गामा जी, उनके बोर्ड में हूँ, उनके क्षेत्र में हूँ, उनके घर के बिल्कुल 20-25 कदम की दूरी पर खड़ा हूँ।